Assalamu alaikum. So guys, again welcome to our YouTube channel. In this video we will discuss about modal verbs. So today we are here with our next class in which we discuss about modal verbs. आज की वीडियो में हम बात करेंगे मॉडल वर्ब्स के बारे में, जो वर्ब की एक टाइप है. सो अगर हम बात करें मॉडल वर्ब्स, इसको सेकंडली ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं. मॉडल वर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब. इज यूज्ड, जिसको यूज किया जाता है, इज यूज्ड अलोंग मेन वर्ब. इसको मेन वर्ब के साथ यूज किया जाता है टू एक्सप्रेस, किस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए, अबिलिटी को, टू एक्सप्रेस अबिलिटी, पॉसिबिलिटी, उसके बाद अबिलिटी पॉसिबिलिटी एंड परमिशन, अबिलिटी पॉसिबिलिटी परमिशन और नेसेसिटी. मतलब कि हम लोग जो मॉडल वर्ब है इसको अबिलिटी, किसी भी काबिलियत, किसी अहलियत या किसी सलाहियत के लिए यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी किसी इम्कान या जो पॉसिबिलिटी होती है उसके लिए, परमिशन कोई इजाजत लेने के लिए या किसी से परमिशन लेने के लिए, एंड नेसेसिटी जो हमारी जरूरत होती है. अगर हम बात करें मॉडल वर्ब्स कौन से होते हैं, तो इसमें आप लोग ले सकते हैं, मॉडल वर्ब में हमारे पास कैन होता है, इसी तरह कुड होता है, इसी तरह हमारे पास मस्ट होता है, इसी तरह हमारे पास शुड होता है, इसी तरह हमारे पास मे होता है, इसी तरह हमारे पास माइट होता है, इसी तरह हमारे पास विल होता है, एंड हमारे पास वुड होता है, और साथ ही हमारे पास ऑट टू होता है. अगर हम ओवरऑल बात करें तो मॉडल वर्ब्स की ऑलमोस्ट 24 टाइप्स हैं, लेकिन हम जो मेन मेन है या जो बेसिक्स हैं, अब हम उनकी बात करते हैं. कैन, गुड, मस्ट, शुड, मे, माइट, विल, वुड एंड ऑट टू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कैन और कुड की, जो हमारे पास कैन और कुड होते हैं, इन मॉडल वर्ब्स की अगर हम बात करें तो इन दोनों मॉडल वर्ब्स को हम लोग यूज करते हैं. कैन एंड कुड आर यूज, कैन एंड कुड आर यूज टू एक्सप्रेस. ये किसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज किए जाते हैं, टू एक्सप्रेस एक्सप्रेस स्किल्स. ये स्किल्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किए जाते हैं. अबिलिटीज को एक्सप्रेस स्किल्स अबिलिटीज एंड परमिशंस एंड परमिशंस ईटीसी. हम लोग कैन और कुड जो मॉडल वर्ब्स हैं इनको स्किल्स के लिए या अबिलिटीज को या परमिशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं. जैसे अगर हम बात करें कैन की, तो कैन से आप क्या कह सकते हैं, कैन आई यूज योर मोबाइल, कैन आई यूज योर लैपटॉप, ये आप लोग परमिशन लेते हैं. इसी तरह अगर आप स्किल की बात करें तो आई कैन ड्राइव द कार, ये आपके पास एक स्किल है. और अगर हम अबिलिटी की बात करें तो आप कह सकते हैं आई कैन क्लाइंब द टावर, मैं टावर के ऊपर चढ़ सकता हूं. तो जब आप लोग स्किल्स, अबिलिटीज और परमिशन को एक्सप्रेस करते हैं तो आप कैन को यूज करते हैं. अगर हम बात करें कैन और कुड के डिफरेंस की, तो कैन को हम लोग प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, और जो हमारे पास कुड होता है इसको हम लोग पास्ट टेंस में यूज करते हैं. सिमिलरली अगर हम बात करें मस्ट और शुड की, और मस्ट जो हमारे पास मॉडल वर्ब है इसको हम लोग यूज करते हैं. मस्ट इज यूज्ड टू, मस्ट इज यूज्ड टू डिनोट, ये मस्ट इज यूज्ड टू डिनोट दैट समथिंग इज नेसेसरी, दैट समथिंग इज नेसेसरी, के कोई चीज नेसेसरी है, हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. आर ऑफ एक्सट्रीम इंपोर्टेंस, आर ऑफ एक्सट्रीम इंपोर्टेंस, कि हम लोग मस्ट को वहां पे यूज करते हैं जो हमारे लिए कोई भी चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है, यानी नेसेसरी होती है, या इंपोर्टेंस एक्सट्रीम इंपोर्टेंस वाली होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, यू मस्ट डन या यू मस्ट डू योर होमवर्क, तो ये जो बेसिक और मोस्ट एक्सट्रीम इंपोर्टेंस वाले सेंटेंसेस होते हैं, इसमें हम लोग यूज करते हैं शुड को, सॉरी मस्ट को. इसी तरह अगर हम बात करें शुड की, तो जो शुड मॉडल वर्ब होता है इसको हम लोग यूज करते हैं. शुड इज यूज्ड टू इंडिकेट, शुड इज यूज्ड टू इंडिकेट समथिंग, ये किसी चीज को यूज्ड टू समथिंग दैट इज एडवाइजेबल, एडवाइजेबल, कि अगर कोई चीज हमारे पास एडवाइजेबल मीन के नसीहत के काबिल है, या उसमें कोई नसीहत या एडवाइस होती है, तो उसको वहां पे हम लोग शुड मॉडल वर्ब को यूज करते हैं. जैसे यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू शुड ऑफर 5 times प्रेयर. सो गाइज, इसी तरह अगर हम मे और माइट की बात करें, तो मे को हम लोग यूज करते हैं. मे इज यूज टू आस्क, मे इज यूज टू आस्क फॉर आर टू गिव परमिशन, आर टू गिव परमिशन. लाइक हम लोग मे को या आस्क फॉर पूछने के लिए, या टू गिव परमिशन, कि हम परमिशन लेने के लिए या परमिशन देने के लिए यूज करते हैं. लाइक
अगर आप किसी से कहते हैं मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मे आई गो टू वॉशरूम, मे आई गो नाउ, तो इसमें आप लोग यूज करते हैं परमिशन के लिए। सिमिलरली अगर आप को किसी को मतलब के परमिशन देते हैं तो आप क्या कहते हैं, यू मे लीव नो, यू मे गो नो, यू मे ईट नाउ, तो इस तरह हम लोग परमिशन के लिए यूज करते हैं। सेम लाइक अगर हम माइट की बात करें तो इसको हम लोग यूज करते हैं, माइट इज यूज टू आस्क फॉर परमिशन, आस्क फॉर परमिशन कह लें या आस्क फॉर परमिशन आर पॉसिबिलिटी। अगर हम मे और माइट में डिफरेंस की बात करें तो मे को हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में, मे को हम लोग प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। अगर हम माइट की बात करें तो इसको हम लोग पास्ट टेंस में यूज करते हैं। सिमिलरली अगर हम शैल की बात करें तो शैल भी वो मॉडर्न वर्ब है जिसको हम फ्यूचर में किसी एक्शन को शो करने के लिए यूज करते हैं। फ्यूचर में जो एक्शन होता है उसके लिए हम लोग शैल को यूज करते हैं। और अगर हम शैल की बात करें तो ये बेसिकली यूज होता है आई और वी के साथ, आई और वी के साथ हम लोग शैल को यूज करते हैं। सेम लाइक दैट हमारे पास विल है, अगर हम विल की बात करें तो विल इज यूज टू एक्सप्रेस, विल इज यूज टू एक्सप्रेस एक्सप्रेस हैबिट्स, हैबिट्स आर इनक्लाइनेशन, हैबिट्स आर इनक्लाइनेशन, कि हम लोग जो हमारे पास विल होता है इसको हम लोग एक्सप्रेस करने के लिए हैबिट्स या इंक्लाइनेशन के लिए यूज करते हैं। और अगर हम विल की बात करें तो विल को हम लोग ही शी इट दे यू इन सभी के साथ विल को यूज करते हैं। सो सेम लाइक दैट अगर हम वुड की बात करें तो इसको भी हम लोग सेम लाइक विल ही यूज करते हैं। विल की सेकंड फॉर्म वुड होती है, लाइक इसको भी हम लोग एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं, इट इज यूज टू एक्सप्रेस हैबिट्स आर फ्यूचर जो इंक्लाइनेशन होती है उसके लिए हम लोग वुड को भी यूज करते हैं। सो लास्ट है हमारे पास ought to, ought to को हम लोग यूज करते हैं, ought to इज यूज टू एक्सप्रेस, ought to को हम लोग यूज करते हैं यूज टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन हम लोग ought to को ऑब्लिगेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे यू ought to टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू ought to टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, या यू ought to पे आवर डेट्स, यू ought to पे आवर डेट्स। सो आज की वीडियो में हमने आपके साथ मॉडर्न वर्ब्स उसके जो मेन सारी की सारी जो लिस्ट है मेन के जो होते हैं उसमें से जो मेन मेन है इसमें विल, वुड, ought to, शैल, उसके बाद कुड, मे, माइट सारे डिस्कस किए और साथ इनके यूज आपके साथ डिस्कस किए। होपफुली ये वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल थी तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल के लिए अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।